श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2023 का दूसरा मुकाबला शुरू हुआ। आपको बता दें कि दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए उतरी। इस दौरान बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना। टीम 164 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की टीम की तरफ से एक शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। श्रीलंका के लिए इस मैच में मतीशा पथिराना ने 4 विकेट चटकाए और साथ ही महेश तीक्ष्णा को भी 2 विकेट मिले। इसके अलावा अन्य गेंदबाजों को भी विकेट मिले और बांग्लादेश की टीम पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई नजर आई। बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। टीम ने अपने शुरुआती 2 विकेट 25 रन पर खो दिए। इसके बाद टीम ने अपना 3रा विकेट भी जल्दी खोया, लेकिन टीम के लिए एकमात्र बल्लेबाज जो 164 रन में सबसे बड़ा योगदान देने में कामयाब रहा वो रहे नजमुल हुसैन संतो। आपको बता दें कि नजमुल हुसैन संतो ने इस मुकाबले में 89 रन की पारी खेली। इस दौरान नजमुल हुसैन संतो ने 122 गेंदों का सामना करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों के सामने डट कर बल्लेबाजी की और 89 रन की पारी के दौरान 7 चौके भी लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 72.95 का रहा। नजमुल संतो की तरफ से एक जिम्मेदारी वाली पारी देखने को मिली। टीम के लिए जो सबसे अहम पारी थी वो उन्होंने खेल कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कई खिलाड़ियों के साथ साझेदारी बनाने की भी कोशिश की, लेकिन एक छोर पर जहां नजमुल संतो एक बल्लेबाज के तौर पर डटकर श्रीलंका के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे, तो वहीं बांग्लादेश के दूसरे छोर पर लगातार बल्लेबाज एक के बाद एक विकेट गंवा रहे थे। नजमुल संतो को किसी खिलाड़ी का साथ नहीं मिला। इसके चलते बांग्लादेश की टीम 164 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश की टीम ने 42.4 ओवर का सामना किया और टीम 164 रन ही बना सकी। अगर 164 के योगदान में नजमुल संतो का योगदान देखें तो नजमुल संतो ने जहां 164 रन में 89 रन का योगदान दिया, तो अन्य बल्लेबाज केवल 67 रन का योगदान ही दे सके। इस दौरान 8 रन एक्स्ट्रा की भी रही और टीम 164 कुल बनाने में कामयाब रही। बहरहाल नजमुल संतो को लेकर फैंस का कहना है कि उन्हें सेंचुरी बनानी चाहिए थी। उम्मीद थी कि वह अपना शतक पूरा करेंगे। हालांकि वह 11 रन से चूके, लेकिन उन्होंने एक जिम्मेदारी वाली पारी, एक बेहतरीन पारी खेलकर टीम को कम से कम फाइटिंग प्रोटोकॉल तक पहुँचाया। बता दें कि महेश तीक्ष्णा ने ही नजमुल संतो को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेजा। एक अंदर आती हुई गेंद से वह चकमा खाए और अपना विकेट गंवा बैठे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वनडे के साथ। नमस्कार।